तो बेसिकली हम बात कर रहे हैं आपके साथ एडवांस एक्सेल विद फॉर्मूला, हमारा एक कोर्स है जो कि वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए है। चलिए इसके बारे में एक बार थोड़ी सी डिस्कस करते हैं। कोर्स ठीक है डिटेल्स पाने के लिए आप जा सकते हैं मेरी वेबसाइट iptindia.com। ठीक iptindia.com पे है मेरे पास दो तरह की क्लासेस हैं, एक है हमारा रिकॉर्डेड क्लास, रिकॉर्डेड क्लास जो कि मोबाइल ऐप के ऊपर मिलेगी। मैं मोबाइल ऐप आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। मोबाइल ऐप डाउनलोड कैसे करेंगे, तो प्ले स्टोर में आप जाते हैं, सर्च करते हैं एक्सेल एमआईएस ट्रेनिंग, तो मेरा मोबाइल ऐप आ जाएगा और मेरे मोबाइल ऐप में सारे कोर्सेज आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगा। लेकिन अभी हम जूम पे हैं तो हम बात करेंगे लाइव क्लासेस की। लाइव क्लासेस जैसे मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, हर एक समझा रहा हूँ, आपकी बातें सुन रहा हूँ और हम बैच में वन टू वन है, आप और मैं सिर्फ दो ही आदमी हैं, तो उस केस में हम लाइव जी सर, क्लासेस पे जाते हैं। तो लाइव क्लासेस में जब आते हैं हम, तो मेरे पास जो सबसे पहला कोर्स आता है वह है एडवांस एक्सेल विद फॉर्मूला, जिसकी ड्यूरेशन तकरीबन 35 से 45 घंटे की है। अब ये ड्यूरेशन एवरेज ओके है, ये बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, और डिपेंड करता है आपके लर्निंग स्टाइल पे। आप पूछेंगे ऐसे कैसे, ओके देखिए सबसे पहले बात है कि मान लीजिए आपने बहुत सारे क्वेश्चंस रेज कर रहे हैं आपके अपने क्लासेस में, टॉपिक को रिपीट करवा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है क्या एक हर एक दिन टॉपिक कम कवर होगा, तो ड्यूरेशन ओके बढ़ जाएगा। आपको सब कुछ आपको क्लियर हो रही है, कुछ समझाने की जरूरत नहीं पड़ रही है, आप टाइम टू टाइम प्रैक्टिस कर रहे हैं, कोई रिपीटेशन की जरूरत नहीं पड़ रही है, तो फिर ओके आपको जरूरत नहीं है। तो तब ड्यूरेशन जो हो सकता है कि 30 से 35 घंटे के अंदर में कंप्लीट हो जाए, इसलिए ड्यूरेशन मेरा एवरेज है। ओके लेकिन मान के चलिए कि आपको 1.5 से 2 महीना तो लग जाएगा, ठीक है। ओके क्लासेस की टाइमिंग ओके भी 1 घंटे की अराउंड है, 45 मिनट, 40 मिनट, 50 मिनट, 8 घंटे, वो डिपेंड करता है टॉपिक की लेंथ और आपकी क्वेश्चंस के ऊपर। क्वेश्चंस अब के इसमें ऊपर अगर हम बात करें तो इसमें ऑफिस एनवायरनमेंट कवर है, फोटो है 2019 एक लेटेस्ट एक्सेल जो है हम वो यूज कर रहे हैं, एडवांस एक्सेल जो आपका जो डैशबोर्ड्स होता है, डैशबोर्ड की फॉर्मेट के रिटर्न डेटा एनालिटिक्स हो गया, जिसमें पिवट टेबल, एडवांस पिवट टेबल, पावर पिवट टेबल कवर हम कवर करते हैं, सारे चार्ट्स कवर करते हैं, 300 से ऊपर फॉर्मूले, एडवांस फॉर्मूला ट्रिक्स, एरे फॉर्मूला, डेटा कनेक्टिविटी, पावर क्यूरी, डायनेमिक चार्ट एंड बटन कंट्रोल, सब कवर करते हैं। अगर इसकी PDF यहाँ दिख रहा होगा, PDF को डाउनलोड करेंगे तो आपको जी मिल सर, जी जाएगा सर दिख रहा हो कंप्लीट। सर, एक्चुअली मेरा ना मेन जो मेरा मतलब मेरे को जो वर्किंग चाहिए वो मतलब डेटा फिल्ट्रेशन प्लस वी लुकअप, ठीक है, प्लस पिवट टेबल, ये दो चीज तो मेरे को एकदम इम्पोर्टेंट चाहिए सर। जी हाँ, उस सारी चीजें कवर हम करते हैं, और जैसे कि आपने बोला कि सिर्फ वी लुकअप से नहीं होता, अभी अभी मैंने एक छोटा सा समझ गए छोटा सा ये किया है, यहाँ देखिए। अब यहाँ पे क्या है कि मेरे पास आईडी डुप्लीकेट है, जैसे 514 यहाँ भी है और 514 यहाँ भी, राइट। अगर आप जी वी जी लुकअप का इस्तेमाल करें तो वी लुकअप आपको सिर्फ पहला डेटा ढूंढ के देता है, बस बस फर्स्ट डेटा याद करेगा। इसमें आ गया दे दे बात कि भाई मुझे डेबिट का अलग चाहिए, जैसे 522 से है, और क्रेडिट का मुझे अलग चाहिए, जो कि आप देख सकते हैं कि 680 है यहाँ पे। मतलब कि आई वॉन्ट टू लुकअप डेटा विथ टू क्राइटेरिया। अब यहाँ पे भी लुकअप आपका नहीं चलेगा, लेकिन लुकअप नहीं चलेगा, थर्ड चलता है, जो कि हम यहाँ इंडेक्स और मैच को कंबाइन करके यूज करते हैं। तो कहने का मतलब है कि इस कोर्स के अंदर में सबसे पहली बात कर दूं कि जो आपका एक्सेल के इनबिल्ट फीचर है, जो फीचर इनबिल्ट है, वो सारे हम कवर करते हैं, पहले जान लीजिए, राइट। और दूसरा इसमें हम बात करते हैं ट्रिक्स, ट्रिक्स समझते हैं, जैसे कि ये देखिए भी एक तरह का ट्रिक्स, अच्छा रेफरेंस ट्रिक्स है, तो ट्रिक्स को यूज तो ट्रिक्स जो है इस्तेमाल करते हैं। तो इस कोर्स में आपको एक्सेल के सारे इनबिल्ट फॉर्मूला, उसके ट्रिक्स, मतलब कि आफ्टर द कोर्स आप जो है क्या क्या कर सकते हैं, जैसे कि एक रिपोर्ट में दिखा रहा हूँ आपको,
इस तरह की जो डैशबोर्ड्स है, इस तरह की जो समरी रिपोर्ट्स है, वो आप हाँ डैशबोर्ड जो बनते इजीली हैं, करेक्ट करेक्ट इजीली बना सकते हैं। मतलब कि बनाने के लिए मैं भी बना सकते हैं, लेकिन इजीली, मतलब इसके लिए आपको ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नहीं जी। ठीक है ना। बहुत ज्यादा एफर्ट और बहुत ज्यादा टाइम वगैरह लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इसको नहीं इजीली बना सकते हैं, ठीक है। ये रहा आपका डेटा, और इस डेटा को हमने इस तरह की रिपोर्ट में कन्वर्ट कर दिया। तो इस कोर्स के कन्वर्ट बाद कर दिया, आप जो कि इस डेटा में मेरे को विजुअलाइज हो रहा है कि मतलब किस कैटेगरी से कितना क्या सेल्स हुआ है, नहीं हाँ, हुआ है, वो प्रॉफिट तो कितना है। डिपेंडिंग होता है। जैसे सेल्स है, जून में आपका जो सेल्स है 2021 और 2022 का सेल्स है, राइट, 2 साल का सेल्स है, और यहाँ हम 2 साल का हाँ सेल देखते हैं कि 2021 में क्या सेल हुआ है, तो इतना टोटल सेल हुआ है, टोटल प्रॉफिट इतना हुआ, प्रॉफिट परसेंटेज हमारा 51% है। तो अब हाईएस्ट प्रोडक्ट करेक्ट सेलिंग हमारा ये था, और हाईएस्ट कैटेगरी कस्टमर कैटेगरी हमारा एनजीओ था। उसके अलावा मंथली सेल्स का यहाँ पे आपका ग्रोथ आ जाता है, ये प्रोडक्ट बाई सेल्स का ग्रोथ आ जाता है, ये आपका शेयरिंग है कि भाई रेफरेंस में सेल हुआ है, डायरेक्ट सेल हुआ है, ऑनलाइन सेल हुआ है। तो एक तरह से हमें इंफॉर्मेशन मिल जाती है क्या करें। जैसे मान लीजिए कि मैं डिसीजन ले रहा हूँ कि मैं डायरेक्ट पेमेंट नहीं लूंगा, मैं जब भी पेमेंट लूंगा तो ऑनलाइन लूंगा। अब इतनी बड़ी डिसीजन लेने से पहले चेक तो कर ले कि डायरेक्ट पेमेंट का कंट्रीब्यूशन कितना है। 27% कंट्रीब्यूशन है डायरेक्ट पेमेंट का, पर यहाँ पे डायरेक्ट पे, यहाँ पे कैश में अगर पेमेंट लेता हूँ, ऑनलाइन पे कैश, लेता हाँ हूँ, तो कैश पेमेंट का देख सकते हैं क्या शेयरिंग है। ऑनलाइन का 51% है। ये देखिए, ये रहा कैश का, आप देख सकते हैं 48% शेयरिंग। तो ऑनलाइन का फिफ्टी अगर टू हमने परसेंट अगर ऐसा कोई डिसीजन लिया तो हमारी आधी सेल्स इफेक्ट करे। पहले इस तरह की नॉलेज ले लें, उसके बाद अगर मान लीजिए कि आप डिसीजन लेने से पहले चीज पता रहेगा तो हम सोचेंगे कि यार आधी पेमेंट हमारा इफेक्टेड हो रहा है, पता चले कि नहीं कैश का वही 8-10% होता है तो हम झेल सकते हैं, लेकिन यहाँ बात हो रही है 48% की। मतलब फिफ्टी ये रहा ना ये आपका, ये तो इजी नहीं, ये तो सेल्स टाइपिंग हुई कि आपका रेफरेंस के थ्रू कितना सेल हुआ है, डायरेक्ट के थ्रू कितना सेल हुआ है, ऑनलाइन कितना सेल हुआ है। दिस द सेल्स मीडियम, दिस द पेमेंट मोड, कि कैश कितना सेल हुआ है। और तो इस तरह की डेटा एनालिसिस को करने के लिए आपको एक्सेल की स्किल्स चाहिए होगी, और स्किल्स होने के बाद इस तरह की रिपोर्ट जो आपको देख रहा होगा कि भाई बड़ी ज्यादा क्रिटिकल हो सकती है, वो आप इजीली बना सकते हैं। तो मेरी क्लासेस के बाद आपको ये सारी चीजें पढ़ाई जाएगी, समझ गए। और हर टाइम टू टाइम आपके साथ एक ये लेंगे, टेस्ट होगा, इस तरह की प्रोजेक्ट्स होंगी, आप अपनी भी ऑफिस की कुछ प्रोजेक्ट है तो ला सकते हैं।